2019 लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान गाजियाबाद में भी हो रहा है। गाजियाबाद के राजनगर सेक्टर 6 शिलर इंस्टीट्यूट में बने मतदान केंद्रों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वीके सिंह अपनी पत्नी व बेटी के साथ मतदान केंद्र पर वोट करने के लिए पहुंचे। उन्होंने बताया कि देखिए, मुझे लगता है कि अब की बार मतदाता का परसेंटेज जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि सब लोग वोट के लिए लालायित है और सब लोग इस चीज के लिए लालायित है कि देश को एक अच्छी, मजबूत, सशक्त और काम करने वाली सरकार दे। उसमें क्या कहना है भाई, जिनकी विचारधारा नहीं मिलती, जो आपस में नहीं मिलते, जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे, आज वो मजबूरी और लाचारी में इकट्ठे हो जाए, उसमें कुछ नहीं कहना। कांग्रेस सर, जितना 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 कम बोला जाए उतना अच्छा होगा। मैनिफेस्टो में एक बार फिर राम मंदिर का मुद्दा है, राम मंदिर पर क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से राम मंदिर की बात करते रहे और जिस दिन रामचंद्र जी चाहेंगे, 2014 के मैनिफेस्टो में राम मंदिर था। मैं कह रहा हूँ ना, जिस दिन राम जी चाहेंगे, जैसे राम जी ने जब चाहा तो रामलला प्रकट हो गए, वैसे जिस दिन राम जी चाहेंगे मंदिर बन जाएगा। देखिए, ऐसा है कि हर चीज को हम लोग एक अलग दिशा में ले जाते हैं। मुद्दा सिर्फ ये था कि एक नेत्री जो है हमारी बहुत बड़ी, मायावती जी, उन्होंने कहा कि सब मुसलमान उनको वोट दें और जब मुसलमानों का अगर हमको वोट आएगा तो हम जीत जाएंगे। एक गलत धारणा है और इसलिए मुख्यमंत्री जी को बोलना पड़ा कि आप सिर्फ अली का ही सहारा लेके जीतने की कोशिश कर रहे हो, हमारा रखवाला तो बजरंगबली है, इसमें क्या चीज़, कुछ नहीं है।